अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अमन बराबरी के साथ में खुश आमदीद, मैं हूँ इमरान सुल्तान। नाज़रीन, ये हफ़्ता इंतहाई अहमियत का हामिल हफ़्ता रहा पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि इसमें अक्वामी मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का इजलास, 72वां सालाना इजलास, और इस इजलास में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, नौ मुंतखब वज़ीर आज़म जो इस वक्त जनाब शाहिद ख़ाकान अब्बासी, उनका वज़ीर आज़म के ओहदा संभालने के बाद इंटरनेशनल फोरम पर, दुनिया के सबसे बड़े फोरम पर उनका खिताब इंतहाई अहमियत का हामिल, और साथ ही साथ उनके इस बयान को जो वहां पे जाके उन्होंने पेश किया, उसको अगर डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर की अफगानिस्तान के हवाले से जो पॉलिसी है उसके पस मंजर में ये बहुत अहम जो है पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का वहां पे शिरकत और उनका बयान। इस 72वें इजलास में पाकिस्तान किस हद तक कामयाब रहा, उस स्टेटमेंट जो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से सामने आया और जिसमें पाकिस्तान की सरजनिश एक तरीके से की गई थी दहशतगर्दी के हवाले से, और पाकिस्तान की जो काविशें उनको सराहा नहीं गया था, तो उस तासर को ज़ायल करने के लिए और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसके सामने पाकिस्तान का मुकदमा रखने के लिए मैं किस हद तक कामयाब हुए हमारे वज़ीर आज़म, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। प्रोग्राम में अपने गेस्ट से आपका तारुफ कराता चलूँ, जनाब जमील अहमद ख़ान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आप साबिक सिफारतकार हैं। जमील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ आवरी का। सबसे पहले अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का 72वां इजलास, और इस इजलास में पाकिस्तान का जो एक नैरेटिव रहा, पाकिस्तान की जो प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट रहा कि हमने 70,000 जानों का कुर्बानी हमने पेश की है, और बैन अक्वामी ताकतें अफगान जंग में नाकामी जो है वो पाकिस्तान के गले में ना डालें, उसका जिम्मेदार पाकिस्तान को ना ठहराएं, उसका मलबा पाकिस्तान के ऊपर ना डालें, ना तो पाकिस्तान जो है दूसरों की जंग को अपने धरती पर लेकर आएगा और ना ही पाकिस्तान कुर्बानी का बकरा बनेगा। कितने कामयाब हुए वज़ीर आज़म साहब अपना मौक़िफ़ जो है पूरी दुनिया के सामने रखने में? इस दफ़ा काफ़ी अरसे के बाद, काफ़ी सालों के बाद एक जामे अंदाज में हमारा मकतबा नज़र और हमारे मतमा नज़र दुनिया के सामने रखा गया, क्योंकि जनरल असेंबली ये डिप्लोमेटिक फोरम की हाईएस्ट एक नवीद है, एक हाईएस्ट फोरम है जनरल असेंबली, और वहाँ ज़ाहिर है सारे सरबराहान आके और अपने अपने मुल्क के बारे में अपने खारजा पॉलिसी को जहन में रखते हुए बयान करते हैं इंटरनेशनल तनाजुर में, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने भी किया। तो आपने जो सवाल किया है मुझसे कि हमारा मौक़िफ किस तरह पेश किया गया, इस मरतबा सबसे अच्छी और उम्दगी से जो बात हुई है या उम्दा बात हुई है वो ये हुई है कि तमाम इदारों से मेरा ख्याल है कि बल्कि ख्याल क्या यकीन है कि अच्छा उन्होंने इनपुट लेके फिर एक अच्छी जामे तकरीर लिखी गई, और ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर का ये पहला चांस था, पहला उनका ये तजर्बा था, आपने जिस तरह के अभी अपने बयानिए में बताया, तो उस लिहाज से उनके लिए ये रिटन स्पीच और जिस कॉन्फिडेंस से उन्होंने बोला यकीनन हमें उसको समझना चाहिए काबिल सताइश बात। पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, जिन मुजमरात से गुजर रहा है, जिस सराउंडिंग और माहौल से गुजर रहा है, उसमें सिर्फ एक स्पीच, हालांकि इसमें और बहुत सारे उन्होंने पॉइंट्स लिखे हैं, शायद आप जब आगे बात आगे चल के उनको डिस्कस करेंगे, तो जिस अंदाज में उसको पेश किया गया है इसका फॉलो अप बहुत ज़रूरी है। पहली तो बात यह है कि इससे पहले बहुत काम होना चाहिए था, लेकिन चलें देर आए दुरुस्त आए, इसके बाद इसका फॉलो अप बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जिस तरफ आप जिस तरह प्रोग्राम के आगे चलेंगे, ठीक है, तो मैं अच्छा, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि तालिबान के महफूज ठिकाने पाकिस्तान में नहीं बल्कि अफगानिस्तान में है, और अफगानिस्तान से ही जो बैंड आउटफिट्स हैं, TTP का उन्होंने नाम लिया, इसके अलावा उन्होंने जमातुल एहरार का नाम लिया, वो सरहद पार से आके पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं। दूसरी जानब पाकिस्तान में जो इस वक्त ऑपरेशन रद्दुल फसाद आपने देखा, ऑपरेशन जरबुल अज़्ब आपने देखा, तो पाकिस्तान में उनकी महफूज पनाहगाहों को खत्म किया गया, ये किस हद तक इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसके सामने हम अपनी इस पोजीशन को, इंटरनेशनल कम्युनिटी का एक परसेप्शन बनाया गया है, इसलिए कि नेटो के 46 कंट्रीज के वहाँ फौज अक्वाम मुत्तहिदा में रही है और अब भी नुमाइंदगी कर रही है नेटो की वहाँ, तो लिहाजा तमाम नेटो के कंट्रीज को ये परसेप्शन बाय फार है ये, और उनके एलाइज और उनके दोस्तों को ये परसेप्शन दिलवाया गया है कि पाकिस्तान में महफूज ठिकाने हैं। अब रहा सवाल के जो स्पीच की गई ये बहुत ज़रूरी थी और अशद ज़रूरी थी कि बताया जाए कि नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ मैं इसको फौरन लिंक करूंगा और प्राइम मिनिस्टर को और एक आध जुमले
क्या ऐड करके देने चाहिए थे स्पीच में वो भी मैं जिक्र कर दूंगा। तो सबसे बड़ी बात है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने अपने हाल ही दिनों में एक बयान में कहा कि अगर हमारे पास कोई ठिकाने नहीं है यहाँ, और अगर हैं तो 2600 किलोमीटर का बॉर्डर हमें बता दीजिए, हमारे साथ चले, सही हम उसको भी देख लेते हैं। देखिए अमेरिका में अगर 19 दहशतगर्द 3 महीने तक रह के 9/11 का वाकया कर सकते हैं, तो 2600 किलोमीटर पे लोग आ सकते हैं। तो ये एक ट्रांसपेरेंट और एक ट्रस्ट गेन करने का बड़ा अच्छा अभियान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का था, इसको इस तनाजर में देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कर दी, साथ में जाहिर है क्योंकि वो एक ऐसा फोरम होता है कि बड़े जामे अल्फाज में बात करनी होती है जनरल असेंबली में, उन्होंने जामे अल्फाज में बात कर दी। अगर एक दो जुमले और बढ़ा के कह देते कि हम ये 2600 किलोमीटर का बॉर्डर है, अगर कोई आदमी क्रॉस करके आ जाता है जैसे 9/11 में, तो हमारी फौजें तैयार हैं और हम तैयार इंटेलिजेंस शेयरिंग वगैरह जो है शेयरिंग के अलावा हम जाने को तैयार हैं, जिस तरह चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, तो उसमें एक और मजबूती आ जाती है। अब करना क्या चाहिए, जिस तरह की मैंने पहले जिक्र किया कि इस नुकते को लेकर जो सबसे बड़ा, सबसे शोर और सबसे ज़्यादा हमें चुभने वाला हमारे लिए है कि दुनिया ये परसेप्शन गेन कर रही है और हम अपने टीवी चैनल्स पे या हम अपने अखबारों में या अपने घरों में बैठ के बात कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की है, अब इसका पहली तो बात ये, जैसे मैंने कहा, पहले होना चाहिए था, हमें हर मुल्क में ये बात करनी चाहिए थी, लेकिन अब भी बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई, हमें ये करना चाहिए। जमील अहमद खान साहब, आप प्रोग्राम में शरीक हैं, छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे विद योर परमिशन। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मज़ीद आगे लेके चलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सिफारतकार अब्दुल बासित साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त निकालने का। अब्दुल बासित साहब, अक्वामे मुत्तहदा की जनरल असेंबली के इजलास में अमूमन वो ममालिक ज़्यादा हाईलाइट होते हैं जहाँ के मसाइल जो है हाल फिलहाल में इंटरनेशनल, आप समझ लें कि मीडिया में जेर बहस हों और दुनिया भर में उसके ऊपर बड़ी बहस की जा रही हो, लेकिन जिन ममालिक के देरीना मसाइल हैं, बिलखसूस जैसे अगर हम कश्मीर के हवाले से बात करें, तो वो ज़रा वो ममालिक साइड लाइन पर रहते हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस के एजेंडे पर खुद कहां खड़ा है। पहले तो इमरान, आपको बहुत मुबारकबाद, जो आपके प्रोग्राम का नाम है, मैं समझता हूं बहुत ही मुनासिब है अमन बराबरी के साथ। जैसे हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है भारत के साथ ताल्लुकात को मामूल पे लाने के लिए, लेकिन ये तभी मुमकिन हो सकता है जब ये बराबरी की सतह पे होंगे और जो हमारे बुनियादी तनाज़ात हैं उनको भारत हल करने के लिए जो भी हम काम करते हैं उसको सही तरीके से वो आगे लेकर चलेंगे। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, पाकिस्तान एक बड़ा अहम मुल्क है दुनिया का, 200 मिलियन से ज़्यादा हमारी आबादी है, जिस खत्ते में हम मौजूद हैं वहाँ पे बहुत से इशूज़ हैं। आप अफगानिस्तान ले लीजिए, जम्मू और कश्मीर का मसला ले लीजिए, फिर ये साउथ एशिया, एक पाकिस्तान और भारत न्यूक्लियर पावर्स भी हैं, तो पाकिस्तान की एक अहमियत तो अपनी जगह हमेशा से है और रहेगी। अब जहाँ तक इस एजेंडा की बात है, तो हमें बुनियादी तौर पे बहसियत एक अहम मुल्क है, हमें अपनी जो तरजीहात हैं उनको बताना है, जो इस खत्ते में मसाइल इस वक्त हैं उनको हमने प्रोजेक्ट करना है और दुनिया को कन्विंस करने की कोशिश करना है कि यहाँ जो मसाइल हैं उसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे अफगानिस्तान और जम्मू और कश्मीर के जो है सब मसाइल हैं। अफगानिस्तान का मसला ज़रा बुनियादी तौर पे दूसरा है, उसमें बहुत से स्टेक होल्डर्स हैं। जहाँ तक जम्मू और कश्मीर का मसला है, उसमें पाकिस्तान, भारत और जम्मू और कश्मीर के आवाम जो लोग हैं, तो इस वजह से हमें अपना जो मुद्दा है जो वो भरपूर तरीके से बताना है। और मेरा अपना ज़ाती ख्याल अगर आप पूछें तो वो ये है कि ट्रेडिशनली पाकिस्तान के जो भी हमारे वज़ीर आज़म जाते रहे या सदूर जाते रहे, उनकी जो तकारीर हुआ करती थी वो बहुत एक्सपेंड कर दिया करते थे, जिसको हम ओमनी बस कहते हैं, उसमें हर इशू डाल देते हैं और वो अपनी अहमियत, जो बुनियादी इशू होते हैं वो भी अपनी अहमियत खो देते हैं। तो मेरी तो गुजारिश यही होगी और मशवरा भी यही होगा कि हम जो इशूज़ हमें डायरेक्ट जो हमें अफेक्ट करते हैं, ख़ास तौर पर जम्मू और कश्मीर, टेररिज्म जो हो रहा है अफगानिस्तान के थ्रू हमारे मुल्क में, जो इंडिया करता है, टेररिज्म के इशू पर भी बात करनी चाहिए, अफगानिस्तान के मसले पर बात करनी चाहिए और फोकस रहना चाहिए। फोकस रह के ही हम अपना जो है, अपना जो व्यू पॉइंट है,
वो सही मानों में इंटरनेशनल कम्युनिटी को कन्वे कर सकते हैं। अच्छा सर, सर ये इस वक्त एक जानिब तो हम देख रहे हैं कि अक्वामे मुत्तहिदा का जो जनरल असेंबली है उसका इजलास है, और दूसरी जानिब जेनेवा में यूनाइटेड नेशंस की जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उनका भी इजलास था, उनकी भी बैठक थी। इस दौरान वहाँ पर पाकिस्तान मुखालिफ एक बाकायदा कैंपेन चलाई गई और ये स्टेट स्पॉन्सर्ड थी आपकी इंडिया की तरफ से, ये बड़ा बाद में साबित भी हुआ। तो इस तरह की जो मुहिम है, इस तरह की जो मुहिम जो ये हुकूमतों की और जो प्रॉक्सीज ये जो एक्टिविटीज़ होती है, तो क्या इससे खुद अक्वामे मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशंस का अपना जो है वो उनकी राय मुतासिर हो सकती है, या ये इस तरह की एक्टिविटीज़ उसके ऊपर असरअंदाज हो सकती है? नहीं, देखिए दुनिया जानती है इस बात पर, कम अज कम हमें इत्मीनान जरूर रहना चाहिए कि दुनिया जानती है कि जो इस किस्म की जेनेवा में एक्टिविटीज हुई वो भारत इंडिया फंडेड थी या उन्होंने फाइनेंस की थी। जहाँ तक जम्मू और कश्मीर में, मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जो इस वक्त हालात हैं, दुनिया जानती है कि किस किस्म के मजालिम वहाँ पे हो रहे हैं। आप ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट ले लीजिए या एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ले लीजिए, तो ये तमाम दुनिया को मालूम है। इसमें डॉक्यूमेंट्स हैं, जखीम डॉक्यूमेंट्स हैं जो इस बात को क्लियरली प्रूव करते हैं कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, और खास तौर पर पिछले 2016 से हमने देखा बुरहान वानी की शहादत के बाद से अब तक पैलेट गन्स यूज हुई, बुलेट्स यूज हुई, हजारों सैकड़ों लोगों को पैलेट गन्स की वजह से उनकी बिनाई चली गई, बहुत से लोगों को शहीद कर दिया गया, और अभी तक ये मजालिम का सिलसिला जारी है। फिर एस्पा को ले लीजिए आप, ड्रैकोनियन लॉज हैं वो भी आप ले लीजिए। तो एक दुनिया जानती है कि मकबूजा कश्मीर में क्या हालात हैं। तो भारत मकबूजा कश्मीर के हालात से तवज्जो हटाने के लिए इस किस्म के काम पहले भी करता रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। इस दफा उन्होंने कुछ शायद ज्यादा पैसे दे दिए, ज्यादा शद्दोमत के साथ कर रहे हैं, लेकिन हमें इन चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए। हमें बलूचिस्तान के हालात का इल्म है, हम जानते हैं कि माजी में प्रॉब्लम्स रही हैं, डिफिकल्टीज रही हैं, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत आगे आ गए हैं। बलोच जो हैं वो भी जानते हैं कि उनके मुफादात कहाँ हैं, वो पाकिस्तानी हमसे अच्छे पाकिस्तानी हैं, हमसे बेहतर पाकिस्तानी हैं। तो ये 10-20 लोग जो हैं बलोच, ये बाहर रहकर, ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं है बलोचिस्तान के आवाम के, तो ये बाहर रहकर इसी हद तक कर सकते हैं, इससे बियॉन्ड नहीं हो सकता कुछ भी, क्योंकि बलोचिस्तान के लोग गलब वतन पाकिस्तानी, वो जानते हैं कि ये हमारा अपना मुल्क है और हमने इसको आगे लेकर चलना है। तो मैं नहीं समझता कि यूएन के एजेंडे में इन चीज इन हरकत की वजह से कुछ तब्दीली आ सकती है। बहरहाल हमें अपना फोकस रखना है, इमरान साहब फोकस हमारा ये होना चाहिए कि हमने अपनी डिप्लोमेसी को एक्टिव करना है, जम्मू और कश्मीर में जो मजालिम हो रहे हैं उसको दुनिया तक उनको बताना है, और इसके लिए प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी बहुत जरूरी है। हमें रिएक्टिव नहीं होना, जम्मू और कश्मीर एक कॉज है जिसको हमने सही तरीके से प्रोटेक्ट करना है और उसको हल करने की कोशिश करना है। हमें रिएक्टिव की बजाय प्रोएक्टिव होना है हर महाज पे, ताकि जम्मू और कश्मीर के मजलूम लोगों को उनका हक खुद इरादियत मिल सके। सर हम जाहिर के बात कर रहे हैं इस वक्त दहशतगर्दी के हवाले से, जो पाकिस्तान का एक परसेप्शन है, पाकिस्तान में बड़ी जो है उसके ऊपर काम हुआ, और अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त हमारे यहाँ कामयाब ऑपरेशंस हुए इन तंजीमों के ख़िलाफ़, और अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का एक इमेज जो है वो बड़ा बेहतर पूरी दुनिया के सामने आ रहा है क्रिकेट डिप्लोमेसी के हवाले से। आपने देखा कि किस तरीके से लाहौर में आज़ादी कप जो है वो ऑर्गेनाइज़ हुआ, इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान में आए, और उन सबसे भी बढ़ के मीरान शाह शुमाली पाकिस्तान जैसे इलाके में जो है दोस्ती क्रिकेट मैच वहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ, वहाँ के लोग बड़ी तादाद में वहाँ पे शरीक हुए। तो ये काविश जो है इसे आप किस तरह से देख रहे हैं, पाकिस्तान के एक सॉफ्ट इमेज को कितने मौसर तरीके से दुनिया के सामने लेकर जाया जा रहा है? देखिए पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी मुश्किलात के बावजूद भी हम बहुत आगे आए हैं, हमने काफ़ी तवील सफर तय किया है, और बड़ी चीज़ों में बहुत बेहतरी हुई है मैं समझता हूँ। और हमें कभी भी अपोलोजेटिक नहीं होना चाहिए। बुनियादी तौर पे जो हमारे मसाइल हैं उनमें जो हमारी इलाकाई सूरत हाल है उसका बहुत बड़ा हाथ है। पिछले अगर आप देखिए अफगानिस्तान में 40 साल से एक मसला हमारे हमसाए पड़ोस में एक चल रहा है, और बावजूद इससे कि हमने बेतहा कोशिश की, लेकिन उसमें इतने स्टेक होल्डर्स हैं, US से लेकर इंडिया का हाथ है, ईरान है, चाइना है, रशिया है, और फिर इंटरनल जो प्रॉब्लम्स अफगानिस्तान की उसकी वजह से हमने बेशुमार मसाइल का सामना किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह
अब हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। क्रिकेट एक पैशन है हमारी पूरी कौम का, और इससे यकीनन जब ये लास्ट टाइम लाहौर में मैचेस हुए वर्ल्ड 11 के साथ और हमने सीरीज भी अल्हम्दुलिल्लाह जीती, तो हमारा आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान का इमेज भी बेहतर हो रहा है और हम इस क्रिकेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले महीनों में और भी इंटरनेशनल टीम्स पाकिस्तान में आके खेलेंगी, तो एक फर्क तो पड़ता है, इमेज में बेहतरी आती है। लेकिन बहरहाल इमेज के लिए ज़रूरी है कि हमारे अपने हालात अंदर बेहतर हों, और मुझे ये कहने में भी कतन कोई आर नहीं है कि ज़रब-ए-अज़्ब ऑपरेशन है, रद्दुल फसाद ऑपरेशन है, उसकी उसके लिए उससे हमें काफ़ी दहशतगर्दी को कंट्रोल करने में बड़ी कामयाबियां हुई हैं। अब जो चैलेंज है कि नेशनल एक्शन प्लान जो है उसको हम दूसरे जो हमारा अंदरूनी उसको किस तरह हम करें, दहशतगर्दी के खिलाफ इन ऑपरेशन ने तो कामयाबी हासिल कर ली, अब जो अगला फेज है कि नैब जितने भी 20 या 31 नुकात हैं उसके उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, तो फिर ही हमें एक लॉन्ग टर्म कामयाबी, मुस्तकिल कामयाबी मिल सकती है। तो इमेज बेहतर करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने साथ जहां हमारी इंटरनेशनली हमें अपनी डिप्लोमेसी को प्रोएक्टिव करना है, पाकिस्तान की सही सूरत हाल लोगों को बतानी है, वहाँ ये भी ज़रूरी है कि हम अपना जो हमारे जो नेशनल एक्शन प्लान के जो भी नुकात इस वक्त हम उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर सके उनको हम सही मानों में इम्प्लीमेंट करें। हमारा जुडिशरी को है रिफॉर्म, एजुकेशन सेक्टर में रिफॉर्म की ज़रूरत है, इसी तरह और बहुत सी चीज़ें जो हमें करना है, पुलिस रिफॉर्म की बहुत ज़रूरत है। तो ये तमाम एक होलिस्टिक अप्रोच हमें अपनानी है ताकि हम एक बहसियत कौम, बहसियत रियासत आगे बढ़ सकें। अब वो ज़माना नहीं रहा कि हमें चेरी पिक करना है, एक हमने स्टेप लेना और फिर अब भूल जाना है, वो वक्त चला गया। अब हमें कंसिस्टेंट तरीके से आगे बढ़ना है और स्ट्रेटेजिकली बढ़ना है, होलिस्टिकली बढ़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल बासित साहब, आप अमन बराबरी के साथ में आ चुके इस प्रोग्राम में शरीक रहे। नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक के बाद एक और गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे जिनसे हम इसी तमाम इशू के ऊपर बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन किया प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम ने, आपका बोस्टन यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक़ है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आज न्यूज़ के लिए वक्त निकालने का। सबसे पहले आपने भी इस वक्त यूनाइटेड नेशंस में इस वक्त तो जनरल असम्बली का इजलास, उसमें शाहिद खाकान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनका बयान, उनकी स्पीच आपने सुनी होगी। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ 70,000 जानों का नजराना पेश किया और बैन अलावामी ताकतें जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर अपनी नाकामी का मलबा ना डालें। अफगानिस्तान जंग के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से उन्होंने ये बात की, उन्होंने कहा कि हम अफगानिस्तान की जंग को पाकिस्तान में लड़ने की इजाजत नहीं देंगे और ना ही कुर्बानी का बकरा बनेंगे। तो किस हद तक शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने पाकिस्तान का मुकदमा इस वक्त अफगानिस्तान के हवाले से और अमरीकी जो पॉलिसी अफगानिस्तान के हवाले से उस कॉन्टेक्स्ट में अपना मुकदमा सही तौर पर पेश किया? जी मेरे ख्याल में ये मैसेज जो है पाकिस्तान ने दिया निस्बतन माजी के मुकाबले में ज्यादा क्लियर दिया और बहुत अच्छा किया के दिया। तो उतना खुल के शायद नहीं बोला, अमेरिका का नाम नहीं लिया, लेकिन ये वादे कर दिया कि हमें स्टेट कोर्ट नहीं बनाया जाए, हमें कुर्बानी का बकरा ना बनाया जाए। और मेरे ख्याल में ये एक अच्छी बात है कि गुफ्तगू में जो है वो क्लैरिटी और ओपननेस होनी चाहिए। लेकिन मैं ये भी साथ कहता रहूँ कि ऐसा नहीं है कि ये तकरीर हमने कर दी न्यूयॉर्क में एक बड़े से कमरे में तो अब जो है सब कुछ बदल जाएगा और दुनिया जो है वो पहले कुछ जानती नहीं थी, अब एकदम जान जाएगी एक तकरीर के बाद, ऐसा तो नहीं होगा। ये जो मसाइल हैं ये तो कई सालों की दहाइयों की निगलेक्ट से पैदा हुए हैं, तो हमें ये मैसेज बारी बारी हर फोरम पे कंसिस्टेंटली देना होगा। तो मेरे ख्याल में अच्छी बात हुई, क्लियर बात हुई, लेकिन ये तो नहीं होनी चाहिए कि जनाब आज आपने बात कर दी तो अब डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान से अपनी पॉलिसी को तब्दील कर देंगे। ये बात वाजह रही कि इस वक्त भी बहुत कशीदा हालात हैं पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशन। डॉक्टर साहब
तालिबान के महफूज ठिकाने, जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर ने बहुत फोकस्ड होकर वहाँ पे बात की कि वो पाकिस्तान में नहीं बल्कि अफगानिस्तान में मौजूद हैं और अफगानिस्तान से ही टेररिस्ट जो है वो पाकिस्तान में आके और यहाँ पे कार्रवाइयाँ करते हैं। इस सिलसिले में उन्होंने TTP का नाम लिया, उन्होंने जमातुल अहरार जो है इन दोनों जमातों का नाम लिया और मोस्टली यही दोनों जमातें जो हैं ये जो बैंड आउटफिट्स हैं पाकिस्तान में आके ये कार्रवाई करते हैं, जबकि उसी दौरान पाकिस्तान में ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब है, ऑपरेशन रद्दुल फसाद है, ये तमाम जो दहशतगर्दों की कमरें हमने तोड़ी हैं। तो किस हद तक प्राइम मिनिस्टर साहब जो है इस चीज़ को इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताने में कामयाब हो सके, डॉक्टर साहब? जी मेरे ख्याल में अगेन हमने अपना मौकफ जो है वो सामने रखा और अच्छा किया था, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हमने किसी को बहुत ज्यादा कन्विंस कर दिया। ऐसा नहीं है कि इस तकरीर के बाद दुनिया की जो राय है पाकिस्तान और पाकिस्तान में जो तालिबान ग्रो हो के बारे में या पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो माबेन कशीदगी है तालिबान के हवाले से उसके बारे में ऐसा नहीं है कि किसी की राय तब्दील हो गई है। ये भी याद रखें कि इसी फोरम पे अफगान प्रेसिडेंट ने भी तब्दील की और उनका मौकफ जो था वो इससे बिल्कुल बरक्स था। आप ये भी याद रखें कि हमसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने तब्दील की, उनका मौकफ भी जो हल्का सा था उसमें जो जिक्र था वो वही था जो पहले था। सो मौकफ सामने रखना अच्छी बात है, बात को खुल के कहना मेरे ख्याल में अच्छी पेशरफ्त है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से हमने किसी की राय जो है तब्दील कर दी हो। हमें इससे अभी बहुत और मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत कोशिश करनी पड़ेगी कई फोरम से। एक मुख्तसर बात ये भी करता हूँ कि ये अहम फोरम है, लेकिन याद रहे कि यहाँ 190 से ज्यादा ममालिक हैं जो तकरीर करते हैं। सो वो हर एक मुल्क जो है वो आके 15-15 मिनट की तकरीर करता है। ऐसा नहीं है कि बाकी तमाम मुल्क बिल्कुल खामोशी से दूसरे मुल्क की बात सुनते हैं। सो हर मुल्क जो है अपना मौकफ पेश करता है और जो एक इंटरनेशनल कॉन्वर्सेशन है उसमें वो शामिल हो जाता है। उसके बाद उस मुल्क की सफारती जो मशीनरी है उसका काम है कि उस मौकफ पे दूसरे ममालिक को आमादा। तो सर ये तो हाईएस्ट फोरम है और जाहिर है कि हम अपने कॉन्टेक्स्ट में इस वक्त इन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, अपने मसाइल के हवाले से अपने बयानिए को देख रहे हैं कि वहाँ पे जो इस वक्त पाकिस्तान ने अपना जिस तरीके से जाके क्लियर किया चीज़ों को, खुद आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त यूनाइटेड नेशंस के एजेंडे पर कहाँ खड़ा है, कितनी प्रायोरिटी की उनकी लिस्ट में हम शामिल हैं और हमारे मसाइल शामिल हैं बशमूल कश्मीर? मेरे ख्याल में जी सच्ची बात यह है कि इस वक्त हम प्रायोरिटी पे नहीं है। अगर आप सोचे ना कि आप कोई भी और मुल्क हो, अमरीका हो लेकिन दूसरा भी हो, तो दुनिया के जो जितने भी मिसाइल हैं उसमें पाकिस्तान किस नंबर पे आएगा? मेरे ख्याल में पाकिस्तान टॉप 5-10 में नहीं है। तो इसलिए कि पाकिस्तान के बारे में अनफॉर्चुनेटली शकूक बहुत ज्यादा है, शुबहात बहुत ज्यादा है और वो एक तकरीर से ठीक होने वाले नहीं है, वो कंसिस्टेंट नैरेटिव से ठीक होने वाले हैं। दूसरा ये कि इस वक्त दुनिया के जो मसाइल हैं वो हर तरफ आपको एक से एक बड़ा मसला नजर आता है। कहीं आपको कोरिया में न्यूक्लियर का मसला नजर आता है, कहीं आपको क्लाइमेट चेंज पे लोगों का फोकस नजर आता है। तो पाकिस्तान का मसला जो है, पाकिस्तान के जो मसाइल हैं इंक्लूडिंग कश्मीर का मसला, वो अगर आप बाकी मुल्कों से पूछें कि जनाब दुनिया के बड़े 10 मसलों में कौन से मसले हैं, तो शायद उसका जिक्र नहीं आए। तो डॉक्टर साहब इसके साथ ये भी देखा गया कि जो यूनाइटेड नेशंस की जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसका इजलास भी इसी दौरान हो रहा था जनेवा में और वहाँ पे पाकिस्तान मुखालिफ एक इश्तिहारी मुहिम चलाई गई फ्री बलूचिस्तान के हवाले से और जाहिर है कि इसमें भारतीय हुकूमत जो है इसमें मुलव्विस है। तो इस तरह की कार्रवाइयों से आप क्या समझते हैं कि जो अक्वामे मुत्तहिदा का अपना जो एक उनका परसेप्शन है पाकिस्तान के बारे में या दीगर ममालिक के बारे में, ये चीज़ें किस हद तक असरअंदाज होती हैं, कितना जो है काम ख़राब करती हैं? असरअंदाज हो सकती हैं और हर साइड जो है पाकिस्तान भी और पाकिस्तान के मुखालिफीन भी वो कोशिश ये करते हैं कि जो उनका उनका मौकफ है, जो उनका नजरिया है, उसको एजेंडे पे ऊपर लाया जाए। मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब की जो तकरीर थी उसमें जो फोकस था कश्मीर के हवाले से और भारत के हवाले से वो यकीनन एक अच्छा फोकस था। आप अगर सुनें तकरीर को तो उन्होंने 17 बार जिक्र किया कश्मीर का, 14 बार जिक्र किया इंडिया का और एक तरह से उनको क्लियर कर दिया कि देखो पाकिस्तान का असली जो मसला है वो हमारे ईस्टर्न फ्रंट पे है, वेस्टर्न फ्रंट पे नहीं है। और जब तक ये कश्मीर का मसला और इंडियन इंटरफेरेंस को आप हल नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल में वो प्रेशर डालना बहुत अच्छी बात है। अगेन ये जरूरी नहीं कि कल उससे दुनिया खतीब हो जाए, लेकिन ये प्रेशर हमें कंसिस्टेंटली डालना चाहिए क्योंकि कश्मीर जो है वो अक्वामे मुत्तहिदा का लॉन्गेस्ट रनिंग अनरिजॉल्व्ड डिस्प्यूट है, मीनिंग सबसे तवील
70 साल पुराना सबसे तवील ऐसा मसला जिसका हल नहीं निकल सका अभी तक यूनाइटेड नेशन के तमाम मसलों। सो ये मसला जो है इसका बस पाकिस्तान का बनता है कि इसको हम फ्रंट बर्नर पे रखें। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम, आपने आज अमन बराबरी के साथ के लिए इस प्रोग्राम में शिरकत की और अपना मौकफ पेश किया। वेलकम बैक। तो सर, इससे ज़्यादा भी जामे अंदाज में बात की जा सकती थी, लेकिन पिछले जो आपका तजर्बा है पिछले 10-15 साल में, इससे ज़्यादा जामे और मरबूत अंदाज में इस फोरम में कश्मीर के हवाले से भी अगर बात करें, दहशतगर्दी के हवाले से भी बात करें, तो पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ पेश नहीं किया। मैं 9 साल यूएनओ में मैंने खुद वहाँ काम किया है अक़वामे मुत्तहिदा में, तो मुझे इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह इदराक है। ठीक। अच्छा, अब एक जनरल परसेप्शन ये है कि अक्वामे मुत्तहिदा में वो मुमालिक ज़्यादा हाईलाइट होते हैं जिनके हाल फिलहाल के बड़े इश्यूज चल रहे होते हैं और बड़ी दुनिया में ज़ेरे बहस होते हैं, बड़ा उनके ऊपर फोकस भी किया जाता है, लेकिन देरीना मसाइल वाले जो इश्यूज हैं वो ज़रा उनके यहाँ शेल्फ्स में ही चले जाते हैं। कश्मीर के हवाले से मैंने अभी आपसे बात की, तो खुद पाकिस्तान जो है, आप क्या समझते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के एजेंडे पर आपको कहाँ पर नज़र आता है? पाकिस्तान देखें, बहुत दफ़ा यूनाइटेड नेशंस उसमें सुस्त रवि का शिकार रहा है। और यूनाइटेड नेशंस है क्या? यूनाइटेड नेशन बजाते ख़ुद तो कोई चीज़ नहीं कर सकता, उसका एक सेक्रेटरी जनरल है, वो एजेंडे पे लेके आता है, मेंबर कंट्रीज़ उस पर डिस्कस करते हैं, ख़ास तौर पे सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर 10 और 5 परमानेंट मेंबर मिलके फैसला करते हैं। ये है आपकी जो मैंडेटरी प्रोविजंस की चीज़ें हैं। बाकी जनरल असेंबली में एजेंडा 7 महीने पहले तैयार होता है, जो अभी शुरू हुआ है, जो अभी 7 महीने पहले तैयार हुआ होता है। कुछ 40 दिन पहले तक आप एजेंडे में सप्लीमेंट्री के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये तो रहा उनका तरीकाकार। अब रहा सवाल कि अक़वामे मुत्तहिदा में हमें किस तरकीब से और किस पाकिस्तान कहाँ रखा गया है, कहाँ पे खड़ा हुआ है? अभी तक तो मैं देख ही रहा हूँ कि सर्द मोरी है, काफ़ी अरसा तक सर्द मोरी रही, इसलिए कि जो मेंबर ममालिक हैं उन पर हमने जिस अंदाज में काम करना था उस अंदाज में नहीं किया। क्यों? जब मैं सफ़ीर रहा हूँ, 3-4 ममालिक में मैं सफ़ीर रहा हूँ, और जहाँ जहाँ मैं सफ़ीर रहा हूँ मैंने देखा है कि साल में एक दफ़ा कहीं कोई फॉरेन मिनिस्ट्री से कोई छोटा सा लेटर आ गया कि भाई कश्मीर डे मना लो, ना उससे पहले ना उसके बाद किसी ने कुछ आपसे बात करनी है। लिहाजा अगर हम कंसिस्टेंटली कश्मीर के मौक़िफ को और वहाँ के जुल्म और बर्बरियत को, वहाँ की ह्यूमन राइट वायोलेशन को, वहाँ की ह्यूमन राइट वायोलेशन लीडिंग टू द वार क्राइम को, अगर हम उस तनाजुर में दुनिया को बावर कराते रहते तो यूनाइटेड नेशंस में कौन है? वही मेंबर ममालिक है। तो नेग्लिजेंस फिर पहले तो हमारी तरफ से है ना, कि हम कश्मीर डे पे हमारी तरफ से काफी इस तरह की एक्टिविटीज रखते हैं और उसको बनाते हैं हमारी तरफ से, काफी। ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ एक तो ये 72वां सेशन था अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली का, और उसके साथ जिनेवा में हमने देखा कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है यूनाइटेड नेशंस का, उनका भी इजलास था, उनकी भी बैठक थी, और ऐसे में वहाँ पे पाकिस्तान मुखालिफ एक मुहिम चलाई गई, एक कैंपेन चलाई गई, इश्तिहारी मुहिम चलाई गई, गो के वहाँ पे भारत के ख़िलाफ़ भी मुजाहरे हुए और भारत में जो तहरीक इस वक्त जन्म ले रही है वो वहाँ पे मुजाहरे में शरीक थी, लेकिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो वहाँ पे मुजाहरे किए वो बड़े स्टेट स्पॉन्सर्ड इंडियन वो साबित भी हुए। तो आप ये फरमाइए कि इस तरह की चीज़ें, इस तरह की जो प्रॉक्सी एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पे, ये किस हद तक असरअंदाज हो सकती हैं अक़वामे मुत्तहिदा की एक अपनी सोच के ऊपर, एक अपनी उनकी राय के ऊपर? देखिए, ये मेंबर कंट्रीज़ जो हैं, जहाँ जहाँ जो कुछ होता है उन मेंबर कंट्रीज़ के जहनों पर बातों का असर होता है, और जब वो अक़वामे मुत्तहिदा में बैठते हैं तो उस मौक़िफ की आगे फर्दा, मिसाल के तौर पे आपने जो बात की फ्री बलूचिस्तान के जो बैनर आवेज़ा किए गए, होर्डिंग्स आवेज़ा की गई, और आपने बता ही दिया बयानिया में, ये हकीकत है, पसे पर्दा इसके सारे के सारा इंडिया करा रहा होता है, रा करा रही होती है पसे पर्दा। लेकिन उस महरकात तो खैर वो बहुत सारे हैं, टाइम उसमें ज़्यादा लग जाएगा कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन इस बात पर अगर आया जाए कि स्विस गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था, इसमें स्विस गवर्नमेंट का मौक़िफ ये है कि यहाँ हमारे इजहार राय का लोगों को अख्तियार है, हमारे फॉरेन ऑफिस से, हालांकि ज़ाहिर है मैं उसका हिस्सा इतना सा रहा हूँ, हमारे फॉरेन ऑफिस से डिमार्श दे दिया गया, यानी कि एक प्रोटेस्ट कर दिया गया उनके सफ़ीर को, फाइन इनफ, इससे हटकर सेनेट कह रही है कि उनको निकाला जाए, वहाँ से रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि वो उजलत वाली बात होगी, उससे पहले बहुत सारे हमारे पास फोरम्स और बहुत सारे मराहल मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर यूनाइटेड नेशन चार्टर का Chapter 1, Article 2, Subclass 4 में यह दिया हुआ है कि कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क के इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी के खिलाफ काम
करने के मावनतकारी नहीं करेगा, तो ये उस जुमरे में आता है। लिहाजा अगर उनके कॉन्स्टिट्यूशन में हक़ खुदरादियत की बात है तो उस पर सबकत ले जाती है ये बात कि उन्होंने साइन किया है चार्टर पर कि हमें इस अंदाज में अपने केसेस को तो इस मामले को सिफारतकारी के जरिए ही देखना चाहिए, क्योंकि इसका हल बेहतर, क्योंकि हमारा देखें स्विट्जरलैंड से अगर हम करते हैं तो स्विट्जरलैंड एक बहुत कलीदी मुल्क है यूरोप का, यूरोपियन यूनियन का तो नहीं है, यूरोप का एक बहुत कलीदी मुल्क है। हम खाम खा के उनसे सफारती ताल्लुकात अगर करेंगे तो हमारे वहाँ एक्सपोर्ट्स बहुत सारे हैं, हमारे दूसरे बहुत सारे मफाद हैं साइंस के, टेक्नोलॉजी के, जल्दबाजी से काम ना लें, सिफारतकारी ही बेहतरीन टूल है और डिप्लोमेसी से ही इसको हल किया जाए। बात डिप्लोमेसी की जा रही है तो पाकिस्तान का इमेज जो इस वक्त जाहिर है कि अनफॉर्चुनेटली दुनिया को जो दिखाया गया उसको ज़ायल करने के लिए हम बड़ी बड़ी कोशिशें कर रहे हैं, हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, और उसके बाद हम खेलों की जो सरगर्मियाँ स्पेशली क्रिकेट डिप्लोमेसी जो है, आपने देखा कि कितना कामयाब इनेकाद इस वक्त लाहौर में जो है वो आज़ादी कप का हुआ, इंटरनेशनल टीम्स जो है वो पाकिस्तान में आई और इंटरनेशनल प्लेयर्स पाकिस्तान में आए, और फिर मीरान शाह जैसे इलाके शुमाली वजिस्तान में वहाँ पर क्रिकेट मैच जो है वो हुआ और आवाम की बड़ी पार्टिसिपेशन रही। तो एक पाकिस्तान अपना एक परसेप्शन, एक अपना बेहतर इमेज, सॉफ्ट इमेज इंटरनेशनली किस हद तक भेज सकता है और कितना कामयाब हो सकता है क्रिकेट डिप्लोमेसी के जरिए? देखिए डिप्लोमेसी और अपने इमेज सुप्रामेसी यानी इमेज को इम्प्रूव करने के लिए सिर्फ एक ही नुक्ता नहीं होता है, ये बहुत एक अहम बात हुई है कि वो इलाका जिसको दुनिया समझती थी कि सिर्फ दहशतगर्दों के ही कब्जे में रहा है उस इलाके में क्रिकेट मैच हो रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके नाज़रीन शायद इस पर दिलचस्पी लें कि कितनी अहम बात है कि हम इसको किस तरीके से बावर करवा रहे हैं, यानी इसको बिजनेस कम्युनिकेशन में इसको कहें कि हम इसकी मार्केटिंग क्या कर रहे हैं। न्यूयॉर्क में कभी इन दिनों में हुई ना ये प्राइम मिनिस्टर की तकरीर के दिन हो रही थी ये बात, तो क्या हमने बात की? किसी ने कोई बात नहीं की। वहाँ के हमारे जो मिशन है, वहाँ के 5000 ओवरसीज पाकिस्तानी वहाँ मौजूद हैं, उनमें अगर ये बात फैलाई जाती, वो वहाँ के मीडिया में बात करते, वहाँ के सेनेटर से बात करते कि ये देखें आप इस इलाके को ये कह रहे थे, यहाँ तो अभी क्रिकेट मैच हो रहा है, इतना पाकिस्तान ने कंट्रोल कर लिया, एक वगैरह। फिर आपने कहा इमेज सुप्रीमेसी, इट्स अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, कोऑर्डिनेटेड एंड कंसिस्टेंट एफर्ट, और उसके अलावा इसमें मल्टी लेयर्ड एफर्ट की जरूरत है, मल्टी डायमेंशनल एफर्ट की जरूरत है, और हर मुल्क में जहाँ जहाँ हमारा मिशन है, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी है उन पर, और पाकिस्तान से हमें काबिल एनवाइस को निकालना चाहिए बाहर, और उन एनवाइस को मुख्तलिफ ममालिक में भेज के थिंक टैंक्स में बात करनी चाहिए, उनके मीडिया से, उनके होस्ट कंट्री से, उनके आबादियों में जाके जहाँ उनकी गवर्नमेंट जहाँ जहाँ इजाजत देती है वहाँ मुख्तलिफ प्रोग्राम करें, इमेज खुद बहुत बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जमील अहमद साहब, आप इस वक्त प्रोग्राम में शरीक रहे। नाजरीन बात सारी इतनी है कि पाकिस्तान में सिफारतकारी जो है उनको इंतहाई मौसर और फाल होने की ज़रूरत है, पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान का इमेज है उसको हमारे ये सिफारतकार, हमारे सिफारतखाने और उन सबसे बढ़कर हमारी जो वजारत खारजा है और हमारे जो सफ़ीर हैं वो इंतहाई अहम किरदार अदा कर सकते हैं और उन्हीं की अव्वलिन जिम्मेदारी है। उसके बाद ज़ाहिर है कि कोऑर्डिनेटेड और एक कंसिस्टेंट एक एफर्ट है जो कि जाहिर रखनी चाहिए। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।